गुड मॉर्निंग साथियों, आप देख रहे हैं पीवीआर स्टडी और मैं हूं राजकुमार यदुवंशी आपके सामने आपकी मैथ की क्लास लेकर के। पिछली क्लास में हम सभी ने देख लिया था क्वेश्चन नंबर 8 तक। 9 क्वेश्चन आप सभी होमवर्क करेंगे, 10 नंबर हम आपके लिए लेकर के हाजिर हैं आज आपके सामने। ध्यान से देखिएगा और उसके पहले जो नए छात्र छात्राएं जुड़े हैं वो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि सभी फ्री की क्लास यूट्यूब से देख सकें। चलिए बताइए कि कैसे यह आकृति एक समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर हैं? बताइए ये आकृति कैसे एक समलंब है और इसकी कौन सी दो भुजाएं आपस में समांतर हैं? देखो समांतर भुजाएं तो कहने की बात नहीं है, के एल और यम एन समांतर हैं, दिख रहा है ना, लेकिन इसमें कुछ तिकड़म करना पड़ेगा, वो क्या है दिखाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं आकृति का नाम क्या है। आकृति का मतलब ये चित्र का नाम बोल रहा हूं मैं भाई, और कोई कुछ और मत समझना। के एल एम एन इसका नाम क्या है, के एल एम एन ये आकृति का नाम है, ठीक है। इस आकृति मतलब फिगर का नाम में कोण यल धन कोण यम इक्वल कितना है, 180 अंश। 180 है ना, कुछ और है ये, देखो कैसे है। देखो सिंपल सी बात है, यल का जो मान है 80 है और यम का मान 100 है, इक्वल कितना है, 180। लेकिन ये हुआ कैसे पता है? देखिए ये तो हमें सामने दिया गया, ये तो रियल बात है, लेकिन इसकी एक परिमेय भी होती है कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न या संलग्न कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ब्रेकेट में लिख लीजिए इधर साइड में, समांतर चतुर्भुज के, लिखिए कोष्ठक में, समांतर चतुर्भुज के आसन्न या संलग्न कोणों का योगफल 180 अंश होता है, इस कारण से ये 180 अंश लिख दिया गया। आसन्न क्या होता है, संलग्न क्या होता है, इसके बारे में हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। संलग्न नहीं देखा है वीडियो तो कमेंट करके बताइएगा, आसन्न और संलग्न के बारे में बता देंगे बहुत अच्छे से। चलिए तो ये हो गया, इतना काम खत्म। आगे देखिए, जब ये इतनी कंडीशन हो गई कि आसन्न या संलग्न जो कोण है उनका योगफल 180 अंश हो गया, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं अतः यन एम समांतर है किसके, के एल के। यन यम समांतर है किसके, के एल के। ये हो गया, ये भी एक चीज़ दिखाना था ना, दिखाना था कि कौन सी भुजाएं क्या हैं समांतर हैं। लेकिन समांतर क्यों हैं, क्योंकि ये सारे प्रगुण को यहाँ पर सिद्ध कर रही हैं। आगे देखना, आगे इसमें एक लाइन और लिख लीजिए, नीचे दिख तो रहा है ना, लिखिए इसलिए के एल एम एन एक समलंब चतुर्भुज होगा। नीचे लिखिए एक नई लाइन में, इसलिए के एल एम एन एक समलंब चतुर्भुज होगा, समलंब चतुर्भुज होगा। लेकिन क्यों होगा पता है, इसलिए होगा क्योंकि, यहाँ पर लिखिए, क्योंकि एन एम समांतर है के एल के। एन एम उसके बाद पैरेलल का चिन्ह लगा के लिखो के एल, ठीक ना। आगे, जबकि एल एम और के एन समांतर नहीं है, एल एम कहाँ है, एल एम और के एन ये समांतर नहीं है, याद रखना। अगर इसको आगे ऐसे बढ़ाते जाओगे ना, ऐसे बढ़ाओगे ना, इसको ऐसे बढ़ाओगे तो काट देगा, ऊपर जाके कट जाएगा, तो समांतर नहीं है। लिखिए के और क्या है, एन समांतर नहीं है, बस हो गया। कहने का मतलब यही था, कह रहा था कि बताइए आकृति समलंब कैसे है, तो भाई ये सिद्ध हो गया कि समलंब है, ये समांतर नहीं है, ये आकृति समांतर नहीं है, ये क्या है, समलंब है, ठीक ना, समलंब सिद्ध हो गया। और इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर हैं वो भी सिद्ध हो गया। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया साथियों, अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, उसके पहले जो छात्र छात्राएं अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किए तुरंत कर दें, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करिए, कमेंट करिए जरूर, उसको बताया जाएगा अच्छे से, डिस्क्राइब किया जाएगा। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत जल्दी करिए।
इसके बाद जीरो लेवल मैथ का एक नया बैच शुरू होने वाला है एकदम जीरो से, देखना जरूर, भूलना मत। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 12। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 12 है, ध्यान से देखना, ये लास्ट सवाल है इस एक्सरसाइज का। कह रहा कि यदि कोण पी तथा कोण यस की माप ज्ञात करना हो, क्या करना हो, निकालना हो, और इसमें एक कंडीशन दी गई है जो कि आप सभी जानते हैं, सिंपल सी बात है कि यस पी जो है वो पैरेलल है पी क्यू के, एस पी भुजा समांतर है किसके, और सॉरी माफ करिएगा, लंबवत है, एस पी लंबवत है पी क्यू के, भाई लंबवत है, सिंपल सी बात है, चूँकि ये सीधा सीधा जा रही है इसको आके काट दे रही, लंबवत का मतलब ये होता है जैसे ये रेखाएँ आके ऐसे काट दें, मतलब क्या है, ये दोनों लंबवत है, ये रेखा जो इधर से आई यहाँ कट गई और ये इधर से देखो यहाँ कट रही, मतलब क्या है, दोनों लंबवत हैं। अगर दोनों रेखाएँ ऐसे ऐसे निकल जाएँ ये इसके बीच में जो है, तो ये क्या है, समांतर है, जैसे रेल की पटरी समांतर होती है, नदी के दोनों किनारे समांतर होते हैं, है ना, तो ये लंबवत नहीं होते हैं, बात समझ रहे हो ना। चलिए अब हम सवाल पे चलते हैं, लिखिए आकृति के अनुसार यानी कि इस चित्र के अनुसार, सभी नोट करो जल्दी से, आकृति के अनुसार एस पी लिखो जल्दी से आर क्यू के समांतर है, एस पी आर क्यू के क्या है, समांतर है, बिल्कुल समांतर है, आप सभी देख रहे हो, अर्थात लिखिए एस पी पैरेलल आर क्यू, इस तरह से आप लिख सकते हो ना, लिख सकते हो, अगर ये ऐसा हो सकता है एस पी पैरेलल आर क्यू, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि कोण आर धन कोण यस इक्वल 180 अंश, कोण आर और कोण यस इक्वल क्या होगा, 180 अंश होगा, क्यों होगा, क्योंकि संलग्न या आसन्न कोण है ये, संलग्न और आसन्न कोणों का योगफल 180 अंश होता है, ध्यान देना। कोण आर, आर क्या है ये देखो, 90 बन रहा है, कितना बन रहा है, 90 बन रहा है ना, बन रहा है ना, तो रख दो इस पर मान फटाफट, वैसे यस पर भी 90 बन रहा है लेकिन निकालेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो आर का मान रख दो 90, धन कोण यस इक्वल 180, यहाँ से निकाल लो तो कोण यस इक्वल आ जाएगा 180 माइनस 90, यानी कि कोण यस बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 90 डिग्री, कितना आ गया, 90 डिग्री, ठीक। अब आगे लिखना, ये हो गया ना, आगे लिखिए चतुर्भुज पी क्यू आर एस से, चतुर्भुज पी क्यू आर एस से, ये देखो सवाल मैं ऊपर हटा दे रहा हूँ, नीचे जगह है ना, टेंशन मत लेना, लिखिए चतुर्भुज पी क्यू आर एस से, लिख लिया ना, चतुर्भुज पी क्यू आर एस से क्या मिल रहा हमें, नोट करो जल्दी से। आप सभी जानते हैं कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 360 अंश होता है, सिंपल सी बात है यार। तो इसमें देखिए हमें दो कोणों के मान मिल चुके हैं, किसके किसके मिल चुके हैं, दो के मिल चुके हैं, और जिसको नहीं पता उसको भी निकाल लेंगे, तो भाई सिंपल सी बात है यार, चलो ठीक है रख देते हैं। पी का मान कितना है, पी का मान तो अभी पता ही नहीं है, कोण पी, धन क्यू, क्यू का मान आप सभी निकाल सकते हो यार, 130 अंश आएगा, कैसे आएगा, देखिए सिंपल सी बात है, क्यू का मान आप निकाल सकते हो, 130 अंश इसलिए आएगा कि चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 360 होता है, 360 होता है ना, तो यार ये 90 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 90 हो गया, 180 हो गया ना, बचा टोटल कितना, 180 बचा, है ना, 180 बचा, आप पी का मान निकाल लोगे, तो पी का मान आपका आ जाएगा 130 अंश। अभी नहीं समझ में आएगा तो बताना, हम आपको बता देंगे कि ये पी का मान आया कहाँ से, ठीक है, और ये दोनों हमने 90-90 अभी निकाल रखा था, इक्वल कितना हो जाएगा, 360 अंश। नहीं समझ में आएगा बिल्कुल बताना, टेंशन मत लेना, और एक बात मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर देखो अगर आप सभी, तो यस के मान भी 90 हैं, वो भी मैंने रख दिया, ठीक, यहाँ से निकालोगे तो पी बराबर आएगा 360 माइनस 310, यानी कि एक प्रकार से आपका पी का मान आएगा कितना, 50 अंश, कितना आया, 50 अंश आया। अब नीचे लिख लो, इसलिए
इसलिए एम कोण आर इक्वल कितना है 90 डिग्री। आर का मान ये 90 ऑलरेडी दिया है, लिख लो जल्दी से। पी का कितना है कोण फी इक्वल 50, सभी का लिख लीजिए। फिर कोण यस का लिख लीजिए कितना है 90, ये आया ना 90 90, यहाँ पर लिख लो यम कोण यस इक्वल कितना 90 डिग्री। बस हो गया, यही तो निकालना था ना, यही तो निकालना था। कह रहा था कि सभी कोणों का मान निकालिए ना, ये कोण पी और आर निकालना था, तो बस ख़त्म हो गया। साथियों, इस तरह से एक्सरसाइज 3.3 भी ख़त्म हो चुका है। 3.4 में बस थोड़े से 4-5 सवाल और बचे हुए हैं, बाकी कक्षा 8 का सब ख़त्म हो चुका है। आपका जीरो लेवल मैथ एक बार फिर से शुरू होगा। जिन भी छात्र छात्राओं को एडमिशन लेना है नई बैच में, वो व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। मात्र 549 में ज्वाइन करने का एक और अंतिम मौका आप सभी को मिल रहा है इस लास्ट ईयर में, तो आप सभी ज्वाइन कर लें जिससे पूरा 2020 पढ़ सकें। पूरे साल का सब्सक्रिप्शन जीरो लेवल मैथ के लिए मात्र 549 रुपीज़। नंबर पर संपर्क करिए। तब तक के लिए जय हिंद। अगर कोई सवाल है, कोई इंक्वायरी है, तो आप निसंकोच उसे कमेंट करिए या फिर नंबर पर संपर्क करके बताइए।